मैं तो फेंट हो जाता घर में, उम्र का नाम लेके भाई मुझे भेजो उसको रखो। आई विल मैं रश्मि पीछे कितनी रोए। और देवो पानी पिलाओ कौन बोलते ऐसे हिमांशी, ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं, सबका अपना वो होता है। बोलते ना प्यार पानी आई पी जस्ट लो, आई शांत हो जाओ ऑलवेज शांत हो फोकस जाओ। ऑन आई ऑलवेज स्पोकन ऑन माई पीपल। तो ठीक है, अच्छा जर्नी था, अच्छी जितना भी हुआ पूरा। अब देखो, एक इंसान ने पूरा हार्ट दे दिया अपने शो में, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है जब नहीं चलती। उसने मतलब पूरा जान दे दिया हिमांशी, तुझे पता है ना लाइक ही वाज प्लेइंग सो वेल, मतलब उसने कितना 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 अच्छा खेला, मतलब हर चीज ही वाज द वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट, प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ द सीजन और ऑल सीजंस कंपेयर्ड दैट ही इज सो गुड इन द शो। एवरीबडी नोज दैट, बट आई थिंक अब किसी को क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं है, पूरी दुनिया को पता है। एंड वन वन थिंग इज, जब तुम लोग कमा लेते हो फिर जरूरत नहीं पड़ती किसी ट्रॉफी की, व्हाट आई फील। सो आई He's got थिंक the dash is love. People love him. He's won everyone's hearts. आई नो बट आई Except for Tejas. नो आई आई ओनली मतलब मुझे सिर्फ एक ही बात बुरी लगी अबाउट दैट प्रोफेशन, वो मुझे थोड़ा सा बेसलेस लगा। बिकॉज या क्योंकि जब Because he's a मैं doctor. Yeah, he's going as a contestant in the show. Contestant. He's going as a contestant in the show, not as a doctor in the show. या But even then, एग्जैक्टली Himanshi, हमारी कितनी मतलब लगती थी। If you see my legs ना, मुझे इतना चोट लगी, इतना चोट लगी। बेचारा सबको ख्याल रखा था घर में यार, सबको मतलब आई बैंडेज सबको नो देते हमको। बट उमर की एक चीज बुरी पता क्या हो गई, उसको कंटेस्टेंट बन के नहीं, उसको लव यू राहुल। कलर, उसको बिग बॉस का डॉक्टर बन के जाना चाहिए था जो कंटेस्टेंट्स को ट्रीट करे। उमर इज टू स्वीट यार, मुझे बहुत बुरा लगा हमारी वो निकल गया शो से। या ही इज लिटिल लॉस्ट दिस टाइम, अभी थोड़ा लॉस्ट है, ही विल बी आई नो, फाइन। बात किया मैंने साथ, मैंने बात किया उसके साथ। पर या हिमांशी तो इसके कितनी साथ सुंदर है वैसे। मैं हूँ खूबसूरत हूँ। ऑफ कोर्स आई एम ग्लैड, आंखों दिखाई तुमने, क्या बात है, हाउ यू डूइंग, यू सो आई मेड द होल स्टार, आई मेड द स्टार इन You लाइन। should start your YouTube channel, गपशप विद राजीव। नो आई तो आई बात समझ, आई बात समझ। मैं हाँ इतनी इंटरेस्टिंग मूवी देख रही थी बैठ के, तो ऑल ऑफ सडन मैंने देखा कि राजीव इज लाइव एंड लेट्स वॉच दिस, और मेरी मूवी बीच में ही रह गई, सारी स्टोरी खत्म हो गई। मुझे गुस्सा आ रहा था, देखिए पहले उसको डॉक्टर को जा रहा था ऐसे बेचारा, वो कोई टेस्ट नहीं, आज आगे बात पैनल फर्स्ट तो पैनल में मुझे वो लगा। फिर जो तेजू का मैंने कमेंट सुना से आई बात, ऐसे चल तू ऐसे मैं दिखाऊंगा आपको आके, मतलब व्हेन आई मीन आके मतलब व्हेन आई कम यू नो, व्हेन आई स्पीक टू हर नेक्स्ट आई विल ऑलवेज टेल हर यू नो दैट यू नो यू वॉच नाउ आई व्हेन शी कम्स आउट ऑफ द हाउस नाउ आई विल टेल हर दैट यू नो हाउ डेयर यू स्पीक अबाउट माय ब्रदर लाइक दैट, हाउ डेयर यू स्पीक अबाउट लाइक दैट। क्या सी बोला, आई 24 घंटे तो उसकी बिचिंग कर, उमर के पास इतना टाइम नहीं है भाई तेरी बिचिंग करने के लिए, हाँ घंटा तो तेरा बिचिंग करता था सबने, हाँ वो तो जिम में सब था, वो काम कर रहा था, हाँ वो तू उसको सबने इस तरीके से बोल देखा, सकती है? हाँ वो सबने देखा है, वो जस्टिफाई करने की जरूरत ही ओ नहीं। इमेजिन उसका करण रो रहा है, करण रो रहा है हिमांशी, एंड दिस शी इज सम कंफर्टिंग हिम सेइंग आई अंडरस्टैंड तेरे बेस्ट फ्रेंड है शो में, मतलब तुझे बुरा बुरा फीलिंग लग रहा है यू नो, शी इज लाइक वो तो 24 घंटे मेरे पिचिंग कर रहा था फॉर दैट डे। अच्छा मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मुझे सिर्फ एक्सप्रेशन दिख एज अ तुझे पता है पर्सन क्या बोला, आई थिंक आई नो यू लव योर पीपल अराउंड, बट इस गेम में एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए, फर्स्ट फॉल्ट ही हमारा है। शी इज अरे भाई प्लेइंग अ कल बोल, गेम, कल हाँ बोल, शी खाना इज खा के बोल, प्लेइंग अ सुबह गेम। अंडे खा के, तू अभी बोल रही जब अभी शो में 5 बजे से निकला है वो बंदा, रो थोड़ा, तू इतना था एक्टिंग तो करती है ड्रामा बाजी करती है, तू थोड़ा रोड़े दिखा दे तो थोड़ा अंदर थोड़ा इमोशन है तेरे अंदर, वो भी नहीं दिखाती है तू, तू तो करना दे फॉर यू क्या घंटा। अरे बेचारा क्या करेगा, Then मुंह why देखा are you कितना रो, expecting from her? बिकॉज यू नो वॉट उमर एक्चुअली डिफेंडेड हर लॉट इन द शो इनिशियली एंड So एक्चुअली बिकॉज ऑफ everybody करण knows ही वाज that. देयर फॉर। हाँ सबको पता तो है। तो आज जैसे बोला गया कि उसने कभी उसके लिए खेला ही नहीं, उसको जब मतलब वो एक आई डोंट नो द एग्जैक्ट टास्क, वो स्टार्टिंग में जब जंगल से इधर लेके आना था कुछ समथिंग समथिंग कुछ टास्क था, तो उमर वॉज देयर। तो वो बात है कि हाईलाइट सिर्फ वो पॉइंट होते हैं जो वीकेंड का वार में बोले जाते हैं, अदर देन दैट उसकी सफाई में गीता माँ ने बोलने ही नहीं दिया। उस यही बोलना चाहता था कि जब हम कोट पहन के
होते हैं तो हमें पता है हम अपने काम में हैं, और जब हमारा कोट उतर जाता है तो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में आते हैं, यही वो बोलना चाह रहा था, तो But let me बोलने tell नहीं you, दिया even किसी though he came in as a contestant, and obviously he came in not as a doctor's contestant, Himanshi, if it was not ने. for that boy, na, hamari bahut, I mean, we were getting hurt all the time in that bichara, even.